13 अप्रैल का दिन है, बैसाखी का पर्व है और साथ ही हिंदू कालगणना का नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम संवत 2078 ये भी आज शुरू हुआ है। मैं इन दोनों अवसरों पर हरियाणा के पूरे समाज को, देश के सब समाज को, जहाँ जहाँ दुनिया में हमारी संस्कृति को मानने वाले सब लोग, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज हरियाणा कला परिषद के द्वारा इस नववर्ष और वैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम किया गया है, बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ आए हुए थे, सबको सबने अच्छे जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनका सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जो कला भवन कलाकृति भवन यहाँ कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद का क्योंकि केंद्र है, उस कला संस्कृति भवन के अंदर इनको ठहरने के लिए एक ब्लॉक की जो अलग से आवश्यकता है उसकी भी आज हमने मंजूरी दे दी है। सिंह आज आपने 1857 क्रांति का एक बहुत बड़ा म्यूजियम दिया है, पूरे देश की क्रांति किस तरह हुई थी वो देखने को मिलेगा यहाँ कुरुक्षेत्र में ही। आज 1857 की क्रांति के जो उस समय के कर्णधार, उस समय के शहीद, जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी, उनका जो म्यूजियम है उसको उसका लोकार्पण किया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि कुरुक्षेत्र में आने वाला हर व्यक्ति उस स्थान का भ्रमण करे, वहां जा करके उन शहीदों को प्रणाम करे और अपने जीवन में उसी प्रकार का एक भावना एक लेकर के देश के प्रति अपने दायित्व को समझे और देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लें। कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोई अपील रहेगी सीएम साहब, क्योंकि डेली डेथ रेशो भी बढ़ रही है, लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लोग रात को भी निकल रहे हैं, कर्फ्यू का उल्लंघन भी कर रहे हैं। देखिए, हमने कुछ सावधानी बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की है, मास्क पहनने के बाद कीप डिस्टेंसिंग, अपने आप को 2 गज की दूरी और इसी प्रकार से जो इस समय सावधानी बरतने के लिए हमने जो वैक्सीनेशन के टीके लगवाए हैं उसके लिए भी जनता को अपील करता हूं कि सब लोग जो भी इसमें डिजर्व करते हैं, जिनकी बारी आ चुकी है 45 वर्ष से, सब लोग आकर के अपने वैक्सीनेशन के टीके भी लगवाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और जितना इसमें से बचा जा सकता है बचना चाहिए, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का प्रकोप और इसमें सावधानी रखेंगे। सर, एक मांग आ रही है कि इस समय जो है चेंज करने की डिमांड उठी थी आपके विधायक ने भी, डिमांड अभी विचार करेंगे।